किसान को तो मजबूरी में मरना पड़ेगा, घर जाकर भी मरना ही है किसान को। तो जब इसकी फसल लूटा लग रही 1800 1850 रुपए का धान 800 1000 रुपए में बेचेगा किसान तो मेरा पड़ा घर भी। प्रधानमंत्री जी जो पेमेंट पूरा MSP पर खरीदते थे, बेवकूफ लोग नहीं है जो यहाँ थे। ये तो जब ही तो आए जब इन्हें दिक्कत हुई, आज 6 साल हो लिए प्रधानमंत्री को, पहले तो ना आए। गाय बछड़े तो देखो जाएगा क्या हाल है हमारा, 1000 2000 का बछड़ा बिक जाता हुआ अमरीकन भी, जिसे गऊ माता माने। गऊ माता तो असली में देसी थी, जो कृष्ण जी ने चुगाई वो गऊ माता थी। इन्होंने गा लील गाय के पीछे भी गऊ माता ही मान ली है। जो जो बिजार से जो ये बिजार फिरे अमरीकन, ये सुअर सब इनकी कलम चढ़ रही, ये सभी गऊ माता मान रहे। और ये सींग दे दो पेट में, दे ये कई आदमी मार दिए, बहुत मार दे। समस्या तो हमारे सामने बहुत समस्या है, एक तो है नहीं, पर ये सबसे बड़ी समस्या तो ये कानून बना दिए भाई, कानून सबसे बड़ी समस्या है। बाबा रामदेव की मान के तो हमने प्रधानमंत्री जी को 2 बार प्रधानमंत्री बना, बाबा रामदेव जैसे ही तो आए। भाजपा तो हमने पहले भी भुगती थी, 77 में भी भुगती थी, संघ भुगता था हमने 77 में भी। नोटबंदी हुई है, हमने मंजूर करी। नोटबंदी करने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था भाई बीमारी है, बीमारी काटने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। हमने खाई कड़वी दवाई, खाई, लाइन में रहे, कुछ भी समस्या आई फिर वोट करी, दोबारा फिर वोट दी। उसके बावजूद क्या लाभ हुआ बताओ, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? आतंकवाद खत्म तो हुआ, काला कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? वे मेरे 45 पुलवामा में 45 एकदम तो कभी मेरे इन थे लड़के शहीद हुए, इन थे हमारे जवान कभी भी नहीं हुए थे 45 तो एक साथ में। मुजफ्फरनगर जिला भोरा कला गाँव है। हाँ जी, सरकार तो अभी भी मना कर रही है, सरकार को कोई जबरदस्ती तो मना नहीं सकते, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। हम कोर्ट में भी जाते रहेंगे, आंदोलन भी रखू जाएंगे। सरकार कोर्ट में जाके सरकार अपना इस्तीफा दे रही है क्या? तो ठीक है, हम भी नहीं मानने पा, हम तो उनके पीछे ही तो ऐसा किसान हूँ, एक हमारी अलग अलग थोड़ा ही बात है कुछ। जद्दोजहद तो ये इन्होंने कर रखी, ये तो एक बड़ी बात है, इतनी सी बात है ये प्रधानमंत्री जी के लिए, इतनी सी बात है जैसा कि समंदर में से एक चोंच पानी, एक बूंद पानी की बात है। इतना बड़ा काम नहीं है सरकार के लिए, 18 हजार करोड़ 2000 रुपए हमें बांट रहे, उसकी मना कर दो, हमारी फसल सही दाम तो खरीद लो। सम्मान तो हमारा आतंकवादी कह कर नहीं कर रहे वे, हम आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी, और ये बताया कि हमारा सम्मान नहीं कर रहे, इससे ज्यादा हमें क्या सम्मान की जरूरत है। तो सरकार क्यों कह रही है आप आधुनिक बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, मजबूत करेंगे, सरकार दोगुनी करेंगे? सरकार तो 15 लाख रुपए देने को भी कह रही थी भाई, दे दिए 15 लाख रुपए सरकार इन दे रही थी क्या? विश्वास तो हमने करा, हमने तो 6 साल करा, एक बार हमारा भी कर लो। ये सब है नुक, हम समझा रहे किसानों को, क्या यही समझाने के लिए ही पैदा हुए थे? इन्हें नहीं समझना चाहिए कुछ। घर का मुखिया अगर उसके परिवार में तोड़फोड़ हो रही, अपना परिवार नहीं संभाल सकता, वो देश को दुनिया को कैसे संभाल लगा भाई? मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, 2 रुपए कुंटल गन्ना बेचा था हमने, फैक्ट्री में 12 रुपए कुंटल 12.5 रुपए का रेट था, शुगर मिल में 12.5 रुपए कुंटल का रेट था, 2 रुपए कुंटल बेचा था। वैसे करेसरू में कोल्लू में फैक्ट्री ने गन्ना नहीं लिया था, वो मुरारजी का राज था। मुरारजी के हटते ही चौधरी साहब आए चरण सिंह जी, 40 रुपए कुंटल गन्ना बिका था, कहाँ चले गई थी वहाँ परेशानी है? अरे ये सरकार की गंदी नीति, सरकार को किसान को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। सरकार बोलती है गला काटना थारा, पर दर्द नहीं होने देंगे, बहुत छुरी पन्नी ले रहे हम, थारा दर्द नहीं होने दे। बताबा जी हमारा गला कटेगा, हमारा दर्द नहीं होगा, हम किसान है, हम किसान के पैदा हुए, हमारे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जब से हमारा वंश चल रहा, हम किसान ही है।
समय की मांग होती एक आधे प्रदेश में लगा के देख लेते, ये केंद्र से जोड़ दिया इन्होंने काम। अगर बढ़िया रहती फिर हम ही ना मांगते। अगर ये अच्छे कानून होते राजनाथ जी और मोदी जी इन पे तो भरोसा करेगा यू काम जुड़ रहा, ये हम अपने लगे थे। अब किसके हो गए? देख लो किसके हो गए, जो भी मारे होते हम अपने बच्चों को अपने घर को, हमारा मन नहीं है घर में रहने का भाई। उनकी अच्छी बात है अगर वे ऐसा करे, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके टावर तोड़ दिए, उनके टावर तोड़ दिए गुस्से में तोड़ दिए। जब जाओ उनके 100 किले जमीन पानीपत के पास में गोदाम बने लग रहे हैं, जो देख रहे वे कहू जाओ उनके कहने से हो जाएगा सब कुछ। हम क्या दबाव दे रहे सरकार को ना, हम झुकाना चाह रहे हैं। हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट मान लो। लेकिन आपको बिना मुकदमे के ही आपको तारीख पे तारीख मिल रही है। वो उनकी मर्जी है, जब चाहे उनकी सीट गरिमा की है, वे भारत वर्ष के प्रधानमंत्री है, वे वैसे नहीं और वे सोच समझ कर निर्णय नहीं ले रहे। हमारा 2000 था हो रहा का गुजारा, ये 2000 रुपए देगा मेरे तो हिसाब बुझ जाए। 2000 रुपए में एक 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 बच्चे के जूते नहीं आते आज, और 50 रुपए की जींस मिले ठेली पे, हमारी जींस देख के इन्हें परेशान नहीं हो रही। 50 रुपए की रिक्शा वाला जो पागल फिरे थी, एक औरत यही फिरे सिंध बॉर्डर पे ही, वह जींस पहन रही थी। ये जींस पर सवाल उठावे, बताओ कहाँ गई इनकी सोच, कहाँ सोच चली गई इनकी। हमें अपना हक लेना, हम अपनी बैठ रहे अपनी बैठे रहो।